वंशु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है संभाषण कुशलता। संभाषण पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे द्वारा रचित निबंध है। सप्रे जी को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, क्योंकि 1990 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। छत्तीसगढ़ मित्र एक प्रकार का पत्रिका था जो महीने में एक बार प्रकाशित होता था, तो इसका प्रकाशन सप्रे जी किए थे। और लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी, लोकमान्य तिलक द्वारा मराठी केसरी नाम से पत्रिका निकाला जाता था, तो उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया। साथ ही हिंदी साहित्यकारों व लेखकों को एक सूत्र में पिरोने के लिए नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला भी प्रकाशित किया। चूँकि आज का हमारा टॉपिक सप्रे जी द्वारा रचित निबंध संभाषण कुशलता है, जिसमें भाषण की कुशलता का विस्तार से वर्णन है, हमें किस प्रकार अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए कि सुनने वाला व्यक्ति प्रभावित हो और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का स्तर समझ सके, इस निबंध में सप्रे जी विभिन्न तर्कों के द्वारा भाषण कुशलता को समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम भी अपने अभिव्यक्ति का स्तर अच्छा कर सकें। इस निबंध की सहायता से हम निश्चित ही अपने व्यक्तित्व व अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कर सकेंगे। यह निबंध हमारे शैली व अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकते हैं। इसलिए आप भी इस निबंध में बताए गए नियमों व सिद्धांतों पर अमल करके कुछ सीख जरूर लें। इस वीडियो में संभाषण करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन किन दुर्गुणों से बचना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। संभाषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और भाषण। सम का अर्थ होता है संयम या श्रेष्ठ, और भाषण का अर्थ है बोलना या बातचीत करना। इस प्रकार संभाषण से तात्पर्य है अच्छा बोलना या बातचीत की शैली अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हमारे विचारों व भावों की श्रेष्ठता का बोध हो। संभाषण एक ऐसा चमत्कारी कुंजी है जो जड़ बुद्धि का भी द्वार खोल सकता है, क्योंकि वाक्पटुता से हम हर व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। वाक्पटुता से हम वह लड़ाई जीत सकते हैं जो किसी अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। संभाषण ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक हथियार है। हमारे गांधी जी को ही ले लीजिए, अहिंसा के बल पर ही स्वतंत्रता हासिल किया था। हमारे पास संभाषण की शक्ति है तो किसी अन्य शस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस उनका उचित प्रयोग आना चाहिए। इसलिए संभाषण को सबसे बड़ा हथियार कहा गया है। बस छोटी छोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ता है, और संभाषण करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करके हम समाज में अपना स्थान श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे सत्यवचन, सत्यवचन मतलब सत्य बोलना। संभाषण करते समय हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा गंगा जल के समान पवित्र होता है। जिस प्रकार गंगा जल संसार के सभी जलों में पवित्र और श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सत्य भी श्रेष्ठ होता है, और सत्य बोलने वाले मनुष्य को सभी पसंद करते हैं। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि झूठ बोलने से हम संभवतः दूसरों का नुकसान तो करते हैं, साथ ही अपना क्षति भी कर लेते हैं। सभी व्यक्ति उनसे घृणा करने लग जाते हैं। सत्य बोलकर हम अपने आत्मसम्मान को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए कम से कम स्वार्थ की दृष्टि से ही सही हमें सत्य बोलना चाहिए। संभाषण करते समय हमारे संभाषण में संक्षिप्तता होना चाहिए। संक्षिप्तता मतलब संक्षेप में, सार रूप में। संभाषण करते समय संक्षिप्त संभाषण आवश्यक है। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, उन सब बातों को शामिल नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के बातों को शामिल नहीं करना चाहिए। संभाषण में संक्षिप्त और सरल भाषा में अपनी बात को पूरी करनी चाहिए। संक्षिप्त में सार रूप में, सरल और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारी भाषा में आडंबर ही ना हो, हमारी भाषा आडंबर ही ना लगे,
और किसी प्रकार का चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को सुनने में नीरसता हो, लोग सुनने में रुचि ना ले। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो जिसको लोग आनंदपूर्वक सुने, समझे और उसमें रुचि ले। संभाषण करते समय मैं शब्द का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जब तक आवश्यक ना हो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं शब्द में अहंकार की भावना आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मैं करते रहते हैं और बहुत आवश्यक हो तभी हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसमें संगठन या एकता की भावना आ जाती है। मैं में अहंकार की भावना ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। इसलिए जब भी हम संभाषण करते हैं या कुछ लोगों के बीच जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें मैं शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विनम्रता का भाव होना चाहिए। हर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। संभाषण करते समय विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को रखना चाहिए। विनम्रता पूर्वक कही हुई बातों में विवाद की समस्या नहीं आती है। विनम्र शब्दों में सबको अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। साथ ही विनम्रता पूर्वक बातें आपके व्यक्तित्व में निखार लाती है। लोग आपकी बातें सुनने के लिए विवश हो जाते हैं और आनंद पूर्वक सुनते हैं और समझते भी हैं। इसलिए विनम्रता एक अच्छी गुण है, तो विनम्रता का पालन करना चाहिए। संभाषण करते समय सुनने की कला भी एक गुण है। संभाषण के दौरान यदि किसी ने कुछ अनावश्यक या अपमानजनक शब्द कह दिए हो तो शांत रहकर उसे सुन लेना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि अनावश्यक बातें करते रहते हैं, तो उसको सुनने की हमें क्षमता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको समय मिल जाता है कि उस बात को समझने की जिससे बाद में पछतावा ना हो। वास्तव में सुनने की आदत हमें धैर्य धारण करना सिखाती है जो कि एक मानवीय गुण है। इसलिए संभाषण करते समय सुनना भी एक कला है। संभाषण के लिए सही व्यक्ति का चयन करना। संभाषण कुछ लोगों के बीच में होती है। अच्छे लोगों के साथ संभाषण करने में शांतिपूर्वक ढंग से एवं आनंददायक संभाषण किया जा सकता है। इससे आपको सीखने के लिए भी कुछ मिल सकता है और आप भी उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जिससे हमको कुछ शिक्षा मिले या हम उनको कुछ सिखा सके, जो समझदार हो, गुणवान हो, जिसके माध्यम से हमारे विचारों में, अभिव्यक्ति में कुछ परिवर्तन आए, बदलाव आए या हम कुछ सीख सके। तो ऐसे व्यक्ति को संभाषण के लिए चुनना चाहिए जिससे कि हमको लाभ हो। जिस प्रकार किसी बुक को अपनी लाभ के लिए हम चुनते हैं ना, जिससे कुछ हमको सीख मिलती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी संभाषण के लिए ऐसा व्यक्ति का चयन करना चाहिए जिससे कि हमको कुछ ज्ञान मिले। शिक्षाप्रद बातें। संभाषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। बातचीत का जो भी विषय हो शिक्षाप्रद होना चाहिए जिससे किसी को सीख मिले, ज्ञान मिले, उनके ज्ञान कोष में वृद्धि हो। ऐसे विषय को ही शामिल करें। व्यर्थ में समय बर्बाद ना करें। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि संभाषण को कैसे शिक्षाप्रद बनाया जाए ताकि संभाषण रोचक हो, पाठकों की रुचि बनी रहे और साथ ही ज्ञान कोष में वृद्धि हो। उपर्युक्त नियमों का पालन करके हम अपने संभाषण को प्रभावी बना सकते हैं। संभाषण ज्ञान को आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः संभाषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसमें कुछ बाधक तत्वों से बचना चाहिए, जैसे अधिक बोलने से बचना चाहिए। संभाषण में कुछ लोग आपस में मिलकर चर्चा कर कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं, तो इसमें दोनों पक्षों का बराबर बोलना एवं सुनना आवश्यक होता है। ऐसे में किसी का अधिक बोलना, केवल अपनी ही बात को रखना, किसी को बोलने का अवसर ही नहीं देना, यह भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। इससे संभाषण में नीरसता आ जाती है और नीरसता से संभाषण में आनंद नहीं रह जाता और साथ ही उचित परिणाम भी नहीं निकलता। इसलिए किसी एक व्यक्ति का अधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता है। संभाषण करते समय अधिक बोलने से बचना चाहिए। संभाषण का एक बड़ा दुर्गुण ये भी है, दोषारोपण। दोषारोपण मतलब दूसरों को दोष देना। संभाषण में एक दूसरे को दोष देने से बचें, दूसरों की टीका टिप्पणी से बचें,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों के विषय में कुछ कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। तो संभाषण कुछ लोगों के मध्य में होता है। एक व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, आवश्यक नहीं कि अन्य लोग भी उसे पसंद ना करें, अतः इससे अनावश्यक विवाद बढ़ सकता है। सबका दृष्टिकोण एक समान नहीं होता है, तो किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। निंदा, संभाषण के समय निंदा करना ये भी सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि दूसरों की निंदा करना और उसमें आनंद प्राप्त करना। लोग अपने मुख्य विषय से हटकर निंदा जैसे व्यर्थ कार्यों में लग जाते हैं। ऐसा करके वो अपना समय तो नष्ट कर लेता ही है और साथ ही उनका व्यक्तित्व भी धूमिल हो जाता है। इसलिए दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अवगुण है निंदा करना। चाटुकारिता, यह भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। कुछ लोग चाटुकार होते हैं जो सत्य असत्य की परवाह नहीं करते हैं, यानी देखते हैं कि यह बात सत्य है कि नहीं है, बस केवल हाँ में हाँ ही मिलाते जाते हैं, हर बात में हाँ हाँ मिलाते जाते हैं। परंतु संभाषण एक गंभीर प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाती है, तो इसमें चाटुकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को संभाषण में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे चाटुकार लोगों से बचना चाहिए। संभाषण करते समय स्वयं की प्रशंसा से बचे। अपना खुद का स्वयं का प्रशंसा नहीं करना चाहिए। संभाषण करते समय अपनी स्वयं की प्रशंसा से हमेशा बचे और साथ ही ऐसे लोगों से भी बचे जो मुख्य विषय से हटकर आत्म प्रशंसा में लगे रहते हैं, बस अपनी ही प्रशंसा करते जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बातें तो छूट जाती है और समय व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से लोग उब जाते हैं, संभाषण नीरस हो जाती है। इसलिए स्वयं की प्रशंसा से हमेशा बचना चाहिए। हठी होना, कुछ लोग हठी होते हैं, हर बात में अपने ही बात पर अड़े रहते हैं, तो संभाषण में ऐसे हठी लोगों से बचना चाहिए। और संभाषण करते समय हट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संभाषण में हठ या जिद्दी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चर्चा करने वाले लोग विवेकशील होते हैं जो किसी महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर एक परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति के अनावश्यक हट से संभाषण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हठी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए और स्वयं भी हट नहीं करना चाहिए। एक अच्छा संभाषण के लिए हम उपर्युक्त नियमों का पालन करके अपने व्यक्तित्व व शैली में सुधार ला सकते हैं। अपने विचारों व भावों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमको रहना है, तो संभाषण मानव को समाज से जोड़ता है। संभाषण में कुछ लोग मिलकर आपस में चर्चा करते हैं, कुछ संदेहों का निराकरण भी करते हैं, प्रश्न उत्तर का भी क्रम चलता है। वार्तालाप द्वारा विचार विनिमय करके परस्पर बहुत कुछ बौद्धिक आदान प्रदान होता है। इससे भ्रांतियों को दूर करने, वस्तु स्थिति को समझने का अवसर मिलता है। दुनिया में अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरे के सहयोग से छोटे बड़े सभी कार्य होते हैं। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसी प्रकार एक अच्छे समाज व देश का निर्माण करना है तो सभी व्यक्ति के विचारों का एक होना आवश्यक है, विचारों में मेल होना आवश्यक है, और यह सब संभाषण के द्वारा ही किया जा सकता है। इस निबंध में सप्रे जी हमको अपने विचारों, भावों, व्यक्तित्व, शैली को संवारने, निखारने और अभिव्यक्ति क्षमता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। संभाषण कुशलता ईश्वर की एक अमूल्य देन है, जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग के अधिकारी हम स्वयं होते हैं। इस शक्ति के सदुपयोग से हम अपने व्यक्तित्व को निखार भी सकते हैं और दुरुपयोग से अपना पतन भी कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।